शुभम ने तो अभी अभी ही अपने काम को संभाला है। जिस दिन वो अपने पैरों पर खुद बखुद खड़ा हो जाएगा, हम उसकी शादी कर देंगे। और यही बात तुम अपनी बहन कामिनी को भी बता दो। आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ, माफ भी कर दिया और हमारी बहू बनाने का फैसला भी कर लिया। एक छोटा सा तोहफा है हमारी तरफ से। आंटी जी, कि ये कंगन किसने दिए है? शुभम की मॉम। मेरा मतलब है मेरी होने वाली सासू माँ ने। उन्हें इतने महंगे सोने के कंगन कामनी को नहीं देने चाहिए थे। देखो सुमन, ये कंगन उन्होंने हमारी हैसियत को देख कर नहीं, बल्कि उनकी हैसियत को देख कर दिए। दरअसल हम स्नेहा को देखने ही आए हैं, क्योंकि उसके आने से पहले ही हमारे घर में खुशियाँ आनी शुरू हुई। लीजिए मिठाई लीजिए। भाभी, अब जब रिश्ता तय ही हो गया है तो क्यों ना हम एक अच्छा मुहूर्त देखकर आकाश और स्नेहा दोनों की सगाई कर दें। ये तो बहुत खुशी की बात है, जैसा आप ठीक समझे। तो फिर मुबारक हो, इसी बात पर मिठाई हो जाए। शकुंतला, ओ शकुंतला। बाऊ जी, सबसे पहले मिठाई खाई। अरे वाह, मगर ये मिठाई तुम हमें किस बात की खिला रही हो? बाऊ जी, मिठाई हमेशा खुशी में खाई जाती है। मगर तुम्हारी इस खुशी की कोई वजह तो होगी। ये मिठाई स्नेहा के ससुराल से आई है, आज वो लोग मिलने आए थे। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गया? शकुंतला, हम सोच रहे थे कि वक्त भी देखो कितनी जल्दी बीत जाता है। हम अभी तक अपनी स्नेहा को बच्ची ही समझ रहे थे, और अब देखो उसकी विदाई का समय आ गया। बेटियां तो होती है पराया धन,
एक न एक दिन तो उन्हें जाना ही पड़ता है, लेकिन उनकी विदाई से जितना कम होता है उससे ज्यादा तो खुशी होती है। हाँ ये तो है शकुंतला। आज वो लोग सगाई की बात करने आए थे। अरे पर हम उन्हें जबान दे चुके हैं तो फिर इस बात की वो इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? नहीं जल्दबाजी नहीं कर रहे वो लोग, उनका भी यही कहना है कि कोई अच्छा सा मुहूर्त देकर सगाई कर दी जाए। और एक बात कहूं, जब हम उन्हें बेटी दे ही चुके हैं तो उनकी बात भी रख लेनी चाहिए। हाँ बाबूजी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है, अब हमें स्नेहा जी की सगाई कर देनी चाहिए। ठीक है शकुंतला, अगर वो लोग सगाई करना ही चाहते हैं तो हमें भी कोई एतराज नहीं। बाबूजी और मिठाई खाइए। हाँ बाबूजी, ये तो बेस्ट आइटम था। माँ जी आप भी खाइए फिर से। तुम भी तो सब ठीक है मॉम, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपको स्नेहा कैसी लगी? बहुत अच्छी। मुझे तो पहले से ही यकीन था कि जिस लड़की को तूने पसंद किया है वो बहुत ही खूबसूरत होगी। भाभी जवानी में तो सारी लड़कियां खूबसूरत लगती हैं। आपको लड़की की खूबसूरती नहीं बल्कि खूबियां देखनी चाहिए। केतकी, स्नेहा जिस घर से ताल्लुक रखती है वहाँ संस्कार सिखाए जाते हैं, और जिन लोगों में संस्कार होते हैं ना उनमें खूबियां अपने आप आ जाती हैं। ठीक है, मैं आपकी ये बात भी मान लेती हूँ। अब आप बताइए भाभी, आपने लड़की तो देख ली, आपको पसंद भी आ गई, अब आगे क्या इरादा है? फिलहाल वो लोग शादी नहीं कर सकते। हाँ लेकिन हमने सगाई करने का इरादा कर लिया है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन केतकी इससे पहले वो लोग शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं। भाभी जब सब कुछ तय हो गया है तो मुहूर्त के लिए देर करने की क्या जरूरत है? ये तो दिल की बात है केतकी। वैसे जब उन लोगों ने शगुन स्वीकार कर लिया तो समझो कि रिश्ता तय ही हो गया। इसलिए हम उनकी इस बात पर एतराज नहीं कर सकते। एतराज तो मैं भी नहीं कर रही। तो फिर केतकी थोड़ा सा और इंतजार कर लो, क्योंकि बहुत जल्द मेरी बहू मेरे घर में बहुत सी खुशियां लेकर आने वाली है। थैंक्स मॉम। ये तो विक्रमार की फैमिली है। लेकिन तुम्हें पूरी फैमिली नहीं सिर्फ विक्रमार्य की बीवी को मारना है। लेकिन कोई सवाल नहीं पीटर। समझ गया, काम हो जाएगा।
शकुंतला चलो भाई चलो, देर हो रही है, चले। आपकी खुशी को देखकर तो ऐसे लग रहा है आप स्नेहा की नहीं अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अरे शॉपिंग तो हम स्नेहा की ही करेंगे, मगर ये जो खुशी जो मिल रही है ना, वो खुशी खुश नसीबों को ही मिलती है। अब चले चलिए चले। बच्चों के प्यार ने बड़ों की दुश्मनी को खत्म कर दिया, छोटे छोटे ये सब भाई, ये वही है जो आप चाहते थे। लेकिन ये बात इतनी जल्दी शहर भर में फैल कैसे गई? फैली नहीं भाई, फैलाई गई। अच्छा तो ये सब तेरी चाल है? यस। और अब आप देखना भाई, अखबार में छपने के बाद ये खबर सारे शहर में ऐसे फैलेगी जैसे जंगल में आग फैलती है। और भाई जब लोगों को ये पता चलेगा कि आकाश की शादी स्नेहा के साथ हो रही है तो सारी बाजी आपके हाथ में आ जाएगी भाई। नहीं छोटे, बाजी ही नहीं बल्कि पूरी बिसात हमारे हाथ में आ जाएगी। अब हम ये बिसात बिछाएंगे भी और सजाएंगे भी, फिर उसके बाद हम जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे विक्रम आर्य को झुका भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। राइट भाई, अब आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। विक्रम आर्य, अब तेरी इज्जत और जिंदगी दोनों हमारे हाथ में है और तू जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा। शायद इसी को कहते हैं सही वक्त पर सही निशाना लगाना। सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। तुम गाना गलत कर रहे हो। भैया गाना क्यों गलत है? सारी उम्र हमें संग नहीं रहना है। तुम्हें तो ये गाना गाना चाहिए, बहना ओ बहना तेरी डोली मैं सजाऊंगा, बहना ओ बहना तेरी डोली मैं सजाऊंगा, सज के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजा गाना चाहिए। ले जाएंगी ले जाएंगी डोली है तेरी, वागोरी वागोरी अरे वागोरी वागोरी। तुमने भी आज तक अपना टैलेंट इसी मौके के लिए बचा के रखा था।
मुंगारी गाती है कमाल है मैं भी अच्छा गाती हूँ सुनो लेट्स स्टार्ट 1 2 3 गो क्या हुआ कुछ ज्यादा है हाँ सर बहुत ज्यादा क्या हुआ मेहंदी लगा के रखना चोली सजा के रखना लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना चोली सजा लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के डोली सजा के रखना लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना और ले जाएंगे दिल वाले दुनिया ले जाएंगे देखो किले गाड़ कर यहाँ छोड़ देते हैं किसी को जिम्मेदारी का एहसास तक नहीं पहले उसको समाज में फेंक पांच मिनट लगेगा के जज्बात